भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मुकाबला खेला गया अहमदाबाद में, बेहद ही सांस रोक देने वाला मुकाबला हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर टीम इंडिया पाकिस्तान टीम को कुचलने के लिए उतरी दोस्तों। वहीं पाकिस्तान की टीम भी मजबूत थी दोस्तों, भारतीय टीम को टक्कर देने के लिए अपने वर्ल्ड कप के दोनों लगातार मुकाबले जीती थी और टीम इंडिया भी दोस्तों अपने दोनों लगातार मुकाबले जीते थे। तीसरा मुकाबला भिड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टॉस होता है, जहां पे टीम इंडिया ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ताकि पाकिस्तान को कम स्कोर पर ऑल आउट करके मुकाबले को दोस्तों जीता जाए। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान की टीम की भी अच्छी सोच थी कि अच्छे बड़े स्कोर खड़े किए जाएंगे टीम इंडिया के सामने। और दोस्तों पाकिस्तान के ओर से ओपनिंग करते आते शकीब और दोस्तों उनके साथ इमामुल हक, और वहीं दोस्तों शुरुआती में अच्छे फॉर्म में चल रहे थे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी कराते मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, जहां पे आपको बता दें पहले विकेट की जो तलाश थी मोहम्मद सिराज ने दोस्तों टीम इंडिया को दिलाई 8वें ओवर को आउट किए, 20 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम आए दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान टीम की ओर से, और दोस्तों उनके साथ इमामुल हक जो कि 50 रनों से प्लस की साझेदारी की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दोस्तों 13वें ओवर में इमामुल हक को भी दोस्तों आउट करके भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिलाई। और दोस्तों उसके बाद रिजवान और बाबर आजम पिच पर टिके रहे, जहां पे 50 रनों से प्लस की साझेदारी करें, लेकिन पाकिस्तान की टीम को 28वें और 29वें ओवर में दोस्तों मोहम्मद सिराज का जो कि आया तो और बाबर आजम को आउट कर दिया, जहां पे बाबर आजम ने दोस्तों 50 रन बना करके आउट हो गए। और वहीं बता दें रिजवान भी 49 रन बना करके आउट हो गए और पाकिस्तान की टीम उसके बाद दोस्तों लड़खड़ा गई, जहां पे भारतीय गेंदबाजों ने हमला बोल दिया पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे। और वहीं दोस्तों 191 रनों पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, जहां पे आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट। पाकिस्तान की टीम दोस्तों 191 रनों पर 43 ओवर में ऑल आउट हो गई, जहां पे भारतीय टीम को स्कोर मिला 50 ओवर में 192 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम की ओर से सुमन गिल और रोहित शर्मा, जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि सुमन गिल की वापसी हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वहीं दोस्तों सुमन गिल कुछ अच्छा नहीं कर पाए, 16 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन एक तरफ से आपको बता दें तो कैप्टन रोहित शर्मा ताबड़तोड़ T20 के फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते नजर आए, और दोस्तों गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी नहीं रोहित शर्मा का साथ दिए, 16 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन श्रेयस अय्यर आए और रोहित शर्मा का साथ दिए, जहां पे कैप्टन रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली, जहां पे टीम इंडिया अच्छा स्कोर कर पाई। और उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए केएल राहुल आए, जहां पे आपको बता दें श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में चल रहे, 62 गेंदों में 53 रन की पारी खेले और वहीं केएल राहुल 19 रनों की पारी खेले, और भारतीय टीम ने 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया दोस्तों 31वें ओवर में। पाकिस्तान को राउंड डाले भारतीय टीम अहमदाबाद के स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को दोस्तों बहुत आसानी तरीके से जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से। तो आप लोगों की राय क्या है, टीम इंडिया फाइनल का खिताब जीतेगी? अपनी राय कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।